Hello everyone, so welcome to my channel again, and in this video we are going to talk about CSS problem set. So wait a minute, अगर ये सुनने के बाद आपको ऐसा लग रहा हो कि CSS क्या है, मैं तो नहीं जानता हूँ इसके बारे में, एंड ये आपके मन में सवाल आ रहा हो कि अगर CSS problem set क्या है, so this video is for you only. And in this video we are going to talk about this, what is CSS, what is its importance. So हम लोग एक्सप्लोर करते हैं इसको, इसमें डिफरेंट सेक्शन दिए हुए हैं. सो हमारे काम के लिए ये सेक्शन ज़्यादा इम्पोर्टेंट है. ओके, सो यहाँ पे आपको तीन चीज़ें जो शुरू में दिख रही है, इंट्रोडक्शन, क्रिएट न्यू अकाउंट एंड स्टैटिक्स वाली पार्ट जो है. तो क्रिएट न्यू अकाउंट में आप एज यूजुअल आपको पता है कि अकाउंट कैसे क्रिएट करते हैं, तो ये सब वगैरह आप यहाँ पे डिटेल्स फिलअप करके कर लोगे. एंड अगर आपका लॉगिन अकाउंट पहले से क्रिएट किया हुआ है तो लॉगिन सा डायरेक्ट लॉग इन आप कर लो. एंड इंट्रोडक्शन पार्ट में बेसिकली ये दिया हुआ है इस वेबसाइट के बारे में, तो यहाँ से पढ़ लेना कौन कौन सी लैंग्वेज ये एक्सेप्टेड इसमें होगी वो भी पढ़ लेना, एंड हैकिंग वगैरह फेज भी है अगर यहाँ पे एक होती है, एंड ये सब चीज़ें हैं जो आप कहाँ पे फीडबैक दे सकते हो. ओके, सो ये जस्ट इसके बारे में बेसिक इन्फॉर्मेशन है. सो आई थिंक ये हमारे काम की तो उतनी नहीं है. यहाँ पे बस ये देख लेना है कि हमें कौन कौन सी लैंग्वेज यहाँ पे एक्सेप्टेड है, C++, जावा एंड पाइथन, ये तीन लैंग्वेज में कोड जो हमारा ये भी होगा, एंड जो आपकी पूरी लिस्ट है वो यहाँ पे आपको दिख जाएगी. ओके, सो ये तो हो गई इंट्रोडक्शन वाले पार्ट, बट मेन पार्ट ये है कि ये प्रॉब्लम से टेक है, एंड यहाँ पे टोटल 300 प्रॉब्लम्स दिए हुए हैं जो काफ़ी अच्छे प्रॉब्लम्स हैं, एंड हर एक प्रॉब्लम्स को अलग अलग सेक्शन में डिवाइड किया हुआ. जैसे कि यहाँ पे इंट्रोडक्टरी प्रॉब्लम सेट जो दिख रही है आपको, फिर सॉर्टिंग सर्चिंग हो गए, ग्राफ होगी, डीपी होगी. सो ग्राफ डीपी प्रॉब्लम्स हो गए, सारे प्रॉब्लम्स को टॉपिक वाइज एक तरह से हम कह सकते हैं कि अरेंज करके दिए हुए हैं. एंड जैसे ही आप टॉपिक के नीचे जाते चले जाओगे तो प्रॉब्लम्स थोड़ी डिफिकल्ट होते हुए चले जाएंगे, एंड सारे प्रॉब्लम्स काफ़ी अच्छे हैं. मैं आपको एक प्रॉब्लम ओपन करके दिखाता हूँ एंड उसमें बताता हूँ कि क्या क्या चीज़ें हैं. सबसे पहली बात जो मुझे इस साइट की सबसे अच्छी चीज़ें लगती है कि वो इसमें प्रॉब्लम स्टेटमेंट स्ट्रेट फॉरवर्ड है. ओके, सो अगर आपको जो क्वेश्चन पूछ रहा वो स्ट्रेट फॉरवर्ड आपको दिया हुआ है, एंड आपको क्या करना हो उसके जस्ट क्वेश्चन को पढ़ो एंड ऑप्टिमाइज में आपको निकालना हो, क्योंकि हर एक क्वेश्चन में आपको टाइम लिमिट 1 सेकेंड दिया हुआ है. सो आपका सॉल्यूशन तभी एक्सेप्ट हो पाएगा प्रॉब्लम्स में जब वो अच्छे लेवल पे ऑप्टिमाइज्ड होगा. सो बेसिकली इसमें मैंने ये ऑब्जर्व किया, सारे प्रॉब्लम्स अगर आपकी एन की वैल्यू कितनी भी हो, आप किसी प्रॉब्लम को खोल के देखोगे तो टाइम लिमिट आपको बेसिकली 1 सेकेंड ही मिलेगा. तो इसमें आपको काफ़ी ऑप्टिमाइज करना होगा सॉल्यूशन को, तभी आपके सॉल्यूशन यहाँ पे एक्सेप्ट हो पाएंगे. एंड लॉजिकली भी ये क्वेश्चन एल्गोरिथमिक वे में भी बोलें तो ये क्वेश्चन यहाँ पे क्वेश्चन काफ़ी अच्छे हैं. सो आपको ऑप्टिमाइजेशन का भी अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी, एल्गोरिथमिक वे में आपको प्रैक्टिस हो जाएगी, लॉजिक आपका काफ़ी बढ़िया हो जाएगा. एंड इसके क्वेश्चन सारे तो मैं नहीं कर पाऊँगा कि सॉल्व हो पाएगा, आई थिंक मेरे तो सारे 300 में से 300 नहीं हो पाएंगे, बट जितने भी होंगे उससे आप काफ़ी अच्छी अच्छी चीज़ें सीखोगे. ओके, एंड ये काफ़ी हेल्प करने वाली है. सो मैं इससे रिलेटेड एक प्लेलिस्ट क्रिएट कर रहा हूँ, एंड उसमें मैं फर्स्ट सेक्शन इंट्रोडक्टरी प्रॉब्लम्स सारे डिस्कस करूँगा, एंड देन मैं सेकेंड पे मूव करूँगा. सो इस प्रॉब्लम सेट में के लिए इतना ही था, एंड अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो, एंड क्योंकि मैं जल्द ही इंट्रोडक्टरी प्रॉब्लम्स की प्लेलिस्ट लेकर आने वाला हूँ, एंड उसमें मैं सारी जो भी वीडियो ट्यूटोरियल डालूंगा उसको अच्छे वे में एंड एक सिंप्लीफाइड वे में समझाने की कोशिश करूंगा. सो अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लो, एंड इतना ही था इस वीडियो में, मिलते हैं अगले वीडियो में. ओके, बाय.